देखिए, जो बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव का नामांकन कार्य था, आज उसका आखिरी दिन था और आज जितने भी लोग नामांकन करना चाहते थे उन सब ने अपना नामांकन 3 बजे तक किया और आज से नामांकन का समय समाप्त हो चुका है। कल सुबह 11 बजे स्क्रूटनी की जाएगी जिसमें सभी कैंडिडेट उपस्थित रह सकते हैं और 11 बजे से स्क्रूटनी के पश्चात जो फाइनल लिस्ट रहेगी और उसके बाद 8 तारीख तक वो लोग अपना नाम वापस ले सकते हैं जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होंगे। 8 तारीख को कैंडिडेट्स की आखिरी सूची जारी कर दी जाएगी और 22 तारीख को चुनाव होंगे, उसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है और प्रत्येक स्तर पर इसकी निगरानी भी की जा रही है। कैंडिडेट्स के साथ भी बैठक की जाएगी जिन्हें उन्हें आचार संहिता और सभी नियम कायदों की जानकारी दी जाएगी, सारी व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। चुनाव पूर्ण रूप से पारदर्शी हो इसके लिए सभी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। सर, अभी तक कुल कितने लोगों ने नामांकन? हाँ देखिए, आज काफ़ी बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए गए हैं और उनके अभी फाइनल लिस्ट तैयार की जा रही है। आप लोगों को थोड़ी देर में हम लोग लिस्ट उपलब्ध करवा देंगे। आज बिहार विधान परिषद के लिए ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर्स दोनों में ही काफ़ी बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए हैं, अभी उनके फाइनल लिस्ट तैयार की जा रही है, आपको थोड़ी देर में उपलब्ध करवा दी जाएगी। देखिए, पूरे प्रमंडल में बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के भी व्यापक तैयारियाँ चल रही हैं। CPF का आना शुरू हो गया है, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कई जिलों में अपना योगदान दे दिया है तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, सभी टोलों में विजिट भी की जा रही है ताकि सभी मतदाताओं के बीच में विश्वास कायम हो सके, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष, भय रहित और किसी भी आशंका से मुक्त होंगे इसके विश्वास पैदा किया जा रहा है। लॉ ऑर्डर के अलावा आचार संहिता पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ भी लगातार बैठकें की जा रही हैं ताकि उत्तर प्रदेश और जो झारखंड से लगे हुए हमारे क्षेत्र हैं उनमें सुरक्षा को लेकर के कोई कोताही नहीं हो, इसीलिए उन जिलों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठकें की गई हैं। आने वाले समय में उच्च स्तर पर भी यह बैठकें होंगी और जो अंदर भी लगातार हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं जिससे चुनाव में किसी प्रकार की प्रक्रिया बाधित ना हो। सर, चुनाव के दौरान धनबल का जो उपयोग होता है मतदाताओं को रिझाने के लिए, उसको किस तरह से नियंत्रित किया गया? देखिए, इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड प्रत्येक जिले में बनाए गए हैं और फ्लाइंग स्क्वाड पर भी निगरानी रखी जा रही है और फ्लाइंग स्क्वाड के थ्रू भी निगरानी रखी जा रही है। जैसे ही कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होती है उसके बाद कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, या अभी भी आपने देखा होगा पटना में एक बड़ी रेड की गई थी जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में राशि जब्त की गई है, तो लगातार निगरानी की जा रही है, आसूचनाओं के आधार पर की जा रही है, छापेमारी भी की जा रही है और वाहन चेकिंग का अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है ताकि जो पैसे का जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी व्यक्ति दुष्प्रचार ना करे, किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाए, इसके लिए सभी जिला पदाधिकारी SPs को निर्देश दिए गए कि सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखें और उसमें किसी प्रकार का दुरुपयोग ना हो ये सुनिश्चित करें, और अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उस पर IT Act और जो दूसरे CRPC IPC की धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई करें। चुनाव एक बहुत ही पवित्र चीज़ है, इसमें मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते समय उसकी गंभीरता चेक कर लें, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक कर लें, किसी बहकावे में नहीं आए, कोई भी गलत चीज़ आपत्तिजनक चीज़ें पोस्ट ना करें जिससे समाज में कटुता फैले, वैमनस्य फैले या अफवाह फैले। ऐसे मामलों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।